नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश। जी हाँ, इस प्राइम डिबेट में हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी ही गंभीर मुद्दा है जिसे पूरी दुनिया जान रही है। जी हाँ, कोरोना काल। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व पर अपना असर छोड़ा है। आप जानते हैं कि इस महामारी के कारण अभी तक लाखों लोगों की जान पूरी दुनिया में जा चुकी है और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन आने वाला है और ये शुभ संकेत है कि आने वाला वर्ष 2021 के शुरुआती दौर में ही वैक्सीन आना शुरू हो जाएगा और ये आम जनता की पहुंच पर अब बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाला होगा। सरकार भी इस व्यवस्था में काफ़ी जोरों शोर से लगी हुई है। जी हाँ, इस प्राइम डिबेट का सब्जेक्ट है हमारा बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने विश्व के हर पटल पर अपनी जो है छाप छोड़ी है, जिसे शायद ही लोग अपने भविष्य में अपने जीवन काल में कभी भूल पाएंगे। जी हाँ, चाहे अर्थव्यवस्था हो या स्वास्थ्य की बात हो, यहाँ तक कि कोरोना ने हमारे रहन सहन की जीवन शैली की भी जो तरीके हैं उस पर काफ़ी ही असर डाला है। हमारे सोच पर असर डाला है, हमारे रहन सहन और जीवन शैली पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ ही दिनों पहले बिहार सरकार का एक निर्णय आया है कि विद्यालयों को खोला जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट बिहार सरकार के तरफ से जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 4 जनवरी 2019 से 9th से लेकर 12th तक के क्लासों के जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, उसे खोले जाएंगे और बच्चे अभी स्कूल जा पाएंगे। सरकार जब से ये कोरोना काल आया है अपने तरफ से काफ़ी ही बेहतर प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह इस महामारी पर काबू पाया जा सके। सारे चीज़ें बंद हो चुकी थी, सारे उद्योग, सभी आवागमन के साधन, सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे और इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कभी वैक्सीन या कोई ऐसा इलाज आएगा जो इस महामारी से सभी लोगों को मुक्ति दिला पाएगा। अंततः वैज्ञानिकों ने खुशखबरी दी और विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अब वैक्सीनेशन जो है शुरू हो चुका है। भारत में भी बहुत जल्द वैक्सीन आने वाला है। सभी कुछ बंद होने के बाद जब अनलॉक शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके सारी प्रक्रियाएं आम जीवन शैली में जो है तब्दीली आनी शुरू हुई। बाजार खुलने लगे, व्यापार भी धीरे धीरे शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसा जरूर सब्जेक्ट रहा था, एक ऐसी बात जरूर थी जो लोगों के मन में शंका कर रही थी कि आखिर शिक्षा जगत में क्या होगा। क्योंकि बच्चे पिछले 9-10 महीने से अपने घरों में थे, उनकी पढ़ाई बंद थी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, कोचिंग संस्थान भी बंद थे। मगर अंततः सारी चीज़ें लगभग खुलने के बाद अब जो है सरकारें फैसला ले रही हैं धीरे धीरे कि अब स्कूलों को भी खोला जाए। और बिहार सरकार की बात करें तो वो 4 जनवरी से इन स्कूलों को खोलने वाली है। जी हाँ, प्राइम डिबेट में हमारा मुद्दा है कि क्या हम स्कूल जो खुलने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या अभिभावक इतने अभी तैयार हैं मानसिक रूप से कि स्कूल भेज पाए। उनके मन में जो डर बैठा हुआ था कोरोना को लेकर के, क्या वो डर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सरकार और स्कूल इसके लिए तैयार हैं कि संक्रमण मुक्त बच्चों को एक माहौल दिया जा सके स्कूल और विद्यालयों में और वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। इसी सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। इस प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और इस प्राइम डिबेट के जो हमारे गेस्ट हैं हम उनसे भी आपको परिचय करा दें। तो हमारे बाएं साइड में जो सबसे पहले बैठे हुए हैं ये डॉक्टर हैं और इनका नाम हम आपको परिचय कराएं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार इनका नाम है। ये फिजिशियन हैं और एम्स पटना में भी ये रह चुके हैं और सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि यह है कि ये कोविड मरीजों का इलाज लगातार करते आ रहे हैं और काफ़ी ही अनुभव है इन्हें कोरोना मरीजों से किस तरह से उनका इलाज चला है। उनके साथ इनका काफ़ी समय गुजरा है और ये मेडिसिटी पूर्णिया हॉस्पिटल है जिसमें अभी ये वर्तमान में पूर्णिया में हैं, काफ़ी ही मशहूर डॉक्टर हैं। तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार जी का। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं प्राइम डिबेट में प्रसन्न सिंह जी हैं जो पूर्णिया जिला के प्राइवेट शिक्षक संघ के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, तो इनका भी हम प्राइम डिबेट में स्वागत करते हैं। तीसरी हमारी गेस्ट हैं महिला हैं जो केरला से आई हुई हैं और बिहार में जो है शिक्षा का जो है काफ़ी ही विस्तार और प्रसार कर रही हैं अपने टैलेंट के द्वारा यहाँ के बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए। तो सरोजा सहदेवन जी हैं, इनका हम स्वागत करेंगे। ये डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं सहारा एडवांस स्कूल का, जो काफ़ी अच्छा विद्यालय है और बहुत जल्द पूर्णिया जिला में जो है बच्चों को शिक्षित करने के लिए आपके बीच आ रहा है। और ये जो सरोजा मैम हैं ये भारतीय विद्या भवन UAE में प्रिंसिपल रह चुकी हैं
और अबू धाबी एजुकेशनल काउंसिल से भी सम्मानित हो चुकी हैं, तो काफी अनुभवी मैम हैं शिक्षा जगत में। इनका हम स्वागत करते हैं, सरोजा सहदेवन जी का। और हमारी एक और अहम गेस्ट हैं शिवानी सिंह जी हैं, जिनसे आप परिचय होंगे। और ये सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं मुख्य रूप से, और ये सोशल कार्य में भी जो है काफी शुरू से सम्मिलित रही हैं। तो आपने हमारे गेस्ट का परिचय लिया और आपका विषय आज का जो है, हमारा विषय आप जान चुके हैं कि किस तरह का है, कि कोरोना महामारी में किस तरह से स्कूलों को खोला जा रहा है और क्या स्कूल और विद्यालय तैयार है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि सर ये बतलाएं कि सरकार अलग अलग तरीके से निर्णय ले रही है, कई राज्यों में स्कूल को खोला भी गया है, और लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा परिणाम देखने को मिला कि स्कूल में बच्चे जो है संक्रमित होने शुरू हो गए और फिर से जो है स्कूलों को बंद करना पड़ गया, मजबूरी हो गई है। इस बार बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है आगामी जनवरी से स्कूल खोलने के लिए। एक चिकित्सक के नजरिए से हम जानना चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर स्कूलों में देखी जाए तो क्या प्रमुख व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली प्रमुख व्यवस्था है कि सोशल डिस्टेंस, अगर बच्चा का क्षमता किसी क्लासरूम का 50 बच्चे का है, 50 बच्चे का, उसमें मैक्सिमम 30-20 लगभग रहना चाहिए रेशियो। जब तक हम बच्चे को कम नहीं करेंगे, स्पेस ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं, डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से टच में आएंगे तो कोरोना होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। इसलिए हमें क्लास में जो बच्चे हैं उनका संख्या को कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रॉपर सैनिटाइजर होना चाहिए, सैनिटाइज करना पड़ेगा रूम को, क्लासरूम को, और क्लास जैसे खत्म होता है फिर से सैनिटाइज करके फिर अगले दिन 24 आवर के लिए कम से कम क्लास बंद हो जाता है। उस समय तक में जो भी वायरस है वो ख़त्म होगा। फिर जैसे हमारे बच्चे क्लास आते हैं, स्कूल आते हैं, तो मदर का इतना काम है, इंपॉर्टेंस, कि कम से कम सैनिटाइजर उसके बैग में डाल दें। जब उसको लगे कि ज़्यादा हम टच में आ रहे हैं, किसी से ज़्यादा टच में है, तो थोड़ा सैनिटाइज कर लें। जो भी समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो लोग अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। छोटे बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं कि हम ज़्यादा टच में आए हैं, कितने लोगों को छुए हैं, क्योंकि ये तो छूने से बीमारी फैलती है ना, क्योंकि गंदगी काफ़ी पड़ा हुआ है, कौन कौन सा आदमी कैसे है, वो इफेक्टेड लोग अगर छू देता है उसकी वजह से भी ये फैलता है। इसलिए हमको बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है, बड़े लोग ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि बड़े बच्चों और छोटे बच्चों की जो गतिविधियाँ हैं, नो डाउट कि बड़े बच्चे प्रौढ़ जो होते हैं वो उनको इतनी समझ होती है कि संक्रमण किस तरह से फैले और बचे, लेकिन छोटे तबके के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी समझाना मुश्किल होगा शुरुआती दौर में, उनको उसकी आदत किस तरह से। सरोजा मैम, आप एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और काफ़ी समय से शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, हम जानना चाहेंगे कि स्कूलों की जो व्यवस्था है, सरकारें तो ऐलान करती हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल को कितना तैयार रहना पड़ता है मैम? देखिए, अभी कोरोना काल में स्कूल को तो काफ़ी तैयार ही रहना पड़ेगा, पर जितना मैं समझती हूँ, मेरे ख्याल से स्कूल ही एक ऐसा संस्थान होगा जो अच्छी तरह से तैयार होगा। भी उनको मालूम है कि बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, ऑलमोस्ट प्राइवेट स्कूल में 30,000 बच्चे तो किसी क्लासरूम में रहते ही नहीं हैं, तो वो तो ऑलमोस्ट वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो ही रहा है। तो जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर आया, ये देखना अनिवार्य है कि भाई स्कूल जो है सैनिटाइज होता रहे, स्कूल के जो स्कूल का कैंपस है उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया, और जब बच्चे चले गए छुट्टी के बाद तो दोबारा उसको सैनिटाइज किया गया। और जैसे ही बच्चे क्लासरूम के अंदर आते हैं, आपका जो थर्मल ये है, टेम्परेचर चेकिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग हो बच्चों का, और जो है जैसे वो क्लासरूम के अंदर आते हैं, एक बार तो टीचर्स की नहीं तो जो सपोर्ट स्टाफ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, एक्सपेक्टली छोटे बच्चों को वहाँ पर सैनिटाइज किया गया। और उसी तरह से जब बच्चे लंच के लिए बैठते हैं, उस तरह उस टाइम पर भी देखा गया कि भाई बच्चों ने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया है। क्योंकि मास्क पहनना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, उनको हो सकता है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आए, आए भी ना, तभी बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें अगर हम मेंटेन करके चलें स्कूल के अंदर, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैम, सबसे बड़ी बात है कि गार्जियंस जो होंगे वो तो बच्चों को मास्क लगा करके भेजेंगे और समझाएंगे। स्कूल का कितना बड़ा रोल होता है, चूँकि 4 से 6 घंटे बच्चे स्कूल में बिताएंगे, वहाँ पर वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं अपने तरीके से, क्या मॉनिटरिंग के लिए आपके नज़रिए में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसके लिए क्या अलग से शिक्षक नियुक्त करेंगे, या कोई ऐसा मॉनिटर तो होना चाहिए ना कि जो नज़र रखे बच्चों पर कि वो क्लास में कैसे अपना बिहेव कर रहे हैं। अरे देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, भी आप मार्केट में भी देख रहे होंगे लोग बिना मास्क के ही चल रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि बच्चे मास्क पहने, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन बच्चों को देते हैं और आपका एटमॉस्फेयर
क्लीन और हाइजीनिक रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स में थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करें हम लोग। और बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर साहब भी शायद इस बात को समझते होंगे कि बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेरेंट्स को ये भी थोड़ा सा अवेयरनेस देना होगा कि भाई किस तरह का डाइट चार्ट बच्चे के लिए फॉलो किया जाए और बच्चे के लिए क्या क्या दिया जाए ताकि उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो। और मैं तो ये भी चाहूँगी कि स्कूल के अंदर थोड़ा सा काढ़ा पिलाने की व्यवस्था रहे बच्चे को, और जो हमारा खाना भी रहे ज़्यादा ऑयली ना रहे, थोड़ा सा जो है वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रहे, लीफी वेजिटेबल्स रहें, ताकि बच्चे में जो है ये ऐसी चीज़ें आने की संभावना कम रहे। चलिए, मैं शिवानी सिंह जी, आप चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिका हैं, ये बहुत मायने रखता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी प्राइवेट स्कूलों का प्रसार कम है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले, और सरकारें ऐलान कर देती हैं प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्कूल हैं, हो सकता है कि वो किसी न किसी तरह से अपने संगठित रूप में जो है बच्चों को संभाल पाए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की बात करें, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि आप वहाँ के प्रिंसिपल हैं, तो क्या व्यवस्था नज़र आती है? आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम बच्चों को अपने स्कूल में एक संक्रमण मुक्त शिक्षा दे पाएंगे? नहीं, वहाँ भी पूरी सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि बच्चों के लिए सैनिटाइज़र मास्क वगैरह सरकार भी दे रही है, और प्लस हम लोगों को एक उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे इसके लिए हम स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उन लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, और इस चीज़ के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और अच्छे तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा संक्रमण का असर है भी नहीं, परसेंटेज बहुत कम है संक्रमण का रूरल एरियाज़ में, तो मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ के लिए स्कूल खुल जाना बहुत ही अच्छा है, और वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ये किया जाए, स्कूल खुल जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल क्या लगता है कि तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार। अचानक स्कूल खुलता है, बच्चे आते हैं, तो उन्हें, चूंकि आप जान रही हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, अगर एक बच्चा भी संक्रमित आपके स्कूल में आ जाता है या क्लासरूम में आ जाता है, तो उसके द्वारा बाकी बच्चों का जो है संक्रमण बढ़ने का खतरा का जो है 99% चांसेस बढ़ जाता है। वो मॉनिटरिंग जो प्राइवेट स्कूल रख पाते हैं, सरकारी स्कूल सक्षम है उसमें? बिल्कुल। क्या टीचर उतने अग्रेसिव हैं, उतने एक्टिव हैं कि हर बच्चों पर नज़र रख सके अपने हिसाब से? आप क्या कहना चाहेंगे वैसे पेरेंट्स को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और बच्चों पढ़ते हैं? वहाँ पेरेंट्स को भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है जी। और हम लोगों ने और बहुत जगह किया भी जा रहा है, अभी तो हर कुछ के माध्यम से, जितना दिन से अभी कोरोना हमारे बीच है, लोग समझ रहे हैं, सब लोग लगभग जान गए, रूरल एरिया में भी लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशन लेना है हमें, और जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ लोग अवेयर करके, और ये सब सही रहेगा, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में विश्व में अलग अलग तरीकों से जो है काफ़ी ही नुकसान सहा है पूरे विश्व ने, अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए, स्वास्थ्य के रूप में देखा जाए, हर तरीके से, लेकिन एक मूलभूत जो चीज़ है शिक्षा भी काफ़ी पीछे रह गया इस कोरोना काल में, क्योंकि एक साल बहुत ही लंबा समय होता है, बच्चे घर में रह चुके हैं, न स्कूल जा पा रहे हैं, न कोचिंग जा पा रहे हैं, अब जो है जाने का समय आ रहा है, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें एक एक कदम फूंक करके रखना होगा, अभिभावकों को भी और स्कूल को भी एक्टिव रहना होगा इसके लिए कि किस तरह से इस संक्रमण को रोक पाए। प्रसन्न सिंह जी, आप अध्यक्ष हैं कोचिंग संघ के, एजुकेशन में कोचिंग भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान रखता है, चूंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्कूल के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं और अपने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग्स में जाया करते हैं, कोचिंग्स में भी काफ़ी क्राउड होती है, अब सरकार के नज़र से 4 तारीख को कोचिंग्स भी आपके खुलने वाले हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सारे कोचिंग संस्थानों को, उनकी कैसी तैयारी होनी चाहिए इस महामारी को रोकने के लिए? सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जी, देर नहीं बहुत ज़्यादा देर हो गया, क्योंकि आप ही सोचिए कि 12th की एग्जाम फरवरी में है, विगत स्टार्ट फरवरी से 12th एग्जाम है, मार्च में कोचिंग, 13 मार्च को कोचिंग स्कूल को शट डाउन किया गया, बंद किया गया, एक साल पूरा 12th खत्म हो गया, मैट्रिक के 10th खत्म हो गया, बच्चे एग्जाम देंगे क्या लिखेंगे पहले वो सोचिए, एक साल 12th का पूरा उनका सिलेबस खत्म हो गया सर, ना कॉलेज खुला, ना स्कूल खुला, ना कोचिंग खुला, ये जो निर्णय आया, ये निर्णय 4 महीने पहले भी या 3 महीने पहले आ सकते थे, सीनियर सेक्शन के लिए आप कॉलेज को खोल सकते थे, सरकार खुद बोलते कि 16 साल से कम नीचे बच्चों को हम वैक्सीन नहीं देंगे, तो फिर वेट किस चीज का कर रहे थे? कोरोना जाने वाला नहीं है सर, प्रिकॉशन के संग इसको आप पहले खोल सकते थे, कोरोना में आप भी वो वर्ड यूज किया, मैं भी वो बोल रहा हूँ, कोरोना में सबसे ज्यादा जो तबाह हुआ वो शिक्षा तबाह हुआ, आप एक सर्वे करा लीजिए, जो बच्चे लॉज छोड़ के, गर्ल्स हॉस्टल छोड़ के घर गए, शायद उसमें 25% बच्चे ऐसे जो शिक्षा छोड़ चुके, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा, 1 महीने 2 महीने के गैप चलता, ये 1 साल का पूरा गैप हो गया,
आप एक आपका चैनल एक सर्वे करवाइए जो बच्चे घर गए कितने बच्चे वापस आए। शायद मुझे लगता है कि 100 में से 30-35% बच्चे वापस नहीं आए, उनका जिंदगी ये कोरोना ने तबाह करके रख दिया। लॉकडाउन के बाद जब सरकार को इस बात की गंभीरता नजर आई कि स्कूल बंद है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल शिक्षा पर काफी जोर डाला और कोशिश किया कि घर बैठे जो है बच्चे अपने टीचर से, अपने स्कूल से कनेक्ट हो पाए और पढ़ पाए। तो हमारा ये सवाल है कि डिजिटल इंडिया के तहत ये काम किया गया, लेकिन क्या हमारा देश अभी उतना सक्षम है कि हर घर में डिजिटल शिक्षा पहुंचाया जा सके? मैं बात कर रहा हूं सर, ये फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार की बात करते हैं, पूर्णिया, मैं अपने पूर्णिया की बात कर रहा हूं, यहां पढ़ने कौन आता, रूरल एरिया के बच्चे पढ़ने आते, वहाँ नेटवर्क की स्थिति कैसे होती है, आप कभी गाँव चले जाइए, एक फोन कॉल करने के लिए छत पे जाना पड़ना होता है, तो वो पढ़ने के लिए कहाँ जाए, पेड़ पे चढ़े। तो सरकार शहरी क्षेत्र के लिए सोचती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ नहीं सोचती है। जो बच्चे बर्बाद हुए शिक्षा के बिना इस कोरोना काल में, शिक्षा और प्राइवेट शिक्षक, सरकार के भी प्राइवेट शिक्षकों के बारे में कभी नहीं सोची, जो 6 महीने 8 महीने 10 महीना होना चाहिए जो घर में बैठ गए थे, उनका फैमिली कैसा चलता होगा, स्कूल छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल है वो कैसे होंगे, उनका मेंटेनेंस कैसे होता होगा। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि टीचर्स का क्या होगा। शिवानी सिंह जी, ये बात सही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं उसके जो पेरेंट्स हैं, वहाँ से जो आने वाले बच्चे हैं काफ़ी ही नीचे तबके के होते हैं, ज़्यादातर किसानों के बच्चे होते हैं। क्या लगता है कि डिजिटल इंडिया का प्रभाव गाँव तक अभी भी पहुँच पाया है, और विशेषकर बिहार की बात करें तो बिहार के कितने बच्चे इस लॉकडाउन के दरमियान में डिजिटल शिक्षा का जो है लाभ प्राप्त कर चुके होंगे? सरकार भी डिजिटल शिक्षा के लिए मतलब सुविधा दी मिली जी, बट वो बिल्कुल ही मतलब सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली सबसे बड़ा नेटवर्क इशू होता है वहाँ पर बच्चे, और सबसे ज़्यादा ये भी बात है कि जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, हर किसी के पास क्या एंड्रॉयड मोबाइल होता है जी, हर एक बच्चे के पास तो होगा नहीं, तो फिर कैसे हो सकता है, मतलब कि तो ये एक तरह से ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक, वो भी थोड़े बहुत शहरी क्षेत्रों में भी 100% तो हम नहीं कर सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन सभी बच्चे ले पाए हैं। हालांकि देखिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा चीज़ है जो आ गया है, तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी फर्स्ट पहली बार है तो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर इस चीज़ को अच्छे से अगर, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं है। एक सब्जेक्ट को क्लास में, एक सब्जेक्ट को क्लास में बताने के लिए बोर्ड पे 10 बार समझाना होता, आप उस चीज को कैसे रियलाइज कर रहे हैं कि बच्चे वो ऑनलाइन वो समझ लेंगे, बस एक खाना पूर्ति था ना कि बच्चे कुछ नहीं करे तो कुछ करे, बस वही था, उससे अगर कुछ नहीं तो ऑनलाइन शिक्षा मैं कभी मानता ही नहीं, क्योंकि हम लोग भी टीचर, हम लोग भी रियलाइज करते बच्चे कैसे समझ रहे, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में क्लास में 10 बार बोर्ड पे समझाना पड़ता तब बच्चे समझते, और ऑनलाइन और मोबाइल में जो 2 मिनट बाद नेटवर्क चला जाता है। और मैम जो सही वो बात बोल, मैं मानता हूँ कि हर घर में एंड्रॉइड फोन अवेलेबल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ना, शिक्षा भी एक एंगेजिंग एक्टिविटी है, जब तक आप बच्चों को एंगेज नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो सीखेगा क्या बच्चा। तो यहाँ पर आप बताइए ऑनलाइन क्लास में, जैसे आप बोलो सिर्फ ग्रामीण बच्चों को ही नहीं, शहर के बच्चों को भी इससे प्रॉब्लम है, अगर नेटवर्क की इशू तो हर जगह रहती है, और जैसे मैंने बोला हर जगह इस बात को माना है कि जब तक आप बच्चे को वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते, जब तक बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सीखने वाला नहीं, वो सिर्फ एक पैसिव लर्नर बनकर रह जाता है। मतलब मैं माने कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र जो होते हैं और उनके जो अभिभावक होते हैं, वो इतने तो जरूर कमा लेते हैं कि उनके घर में एंड्रॉइड फोन अवेलेबल होगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये क्षेत्र के मुताबिक अगर संख्या और परसेंटेज की बात की जाए तो कितने प्रतिशत बच्चे आपके ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ पाए? सेक्टर्स में भी पेरेंट्स इतने खुश नहीं है कि भाई इनको ऑनलाइन से बच्चों को पढ़ाई करवानी पड़ रही, कारण क्या है, आंख में स्ट्रेन और जो है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन रहता नहीं है इतनी देर तक, क्योंकि जो टीचर का एक पर्सनल अपीयरेंस और एक फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक पर्सनल रैपो जो बच्चे के साथ बनता है, जिससे कि क्लासेस इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यूज किया द वर्ड एंगेजिंग क्लासरूम, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है हम जितना भी कोशिश करें, तो ये जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, यानी कि 2014 से ही इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया सरकार के द्वारा भी, लेकिन वस्तु स्थिति अगर हम बात करें तो अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन, लंदन, रसिया हो, बाकी देशों के मुकाबले हमारा देश अभी भी काफ़ी पीछे है डिजिटल नेटवर्क के रूप में। हमारे पास हर लोगों तक जो है
एंड्रॉयड मोबाइल्स की पहुंच नहीं है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है। हालांकि सरकार इस पे हमेशा प्रयासरत जरूर है और कोशिश में है कि इसको पहुंचाया जाए, लेकिन कोरोना जैसी महामारी पूछ कर तो आती नहीं है, ये अचानक आई है और उसमें एक विकल्प निकाला गया डिजिटल इंडिया के तहत कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सके। हालांकि उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि हमारा देश उसके लिए पहले से कितना तैयार है, लेकिन जहाँ तक भी हो सका। अब आते हैं हम चिकित्सा के रूप में इस बारे को देखा जाए तो वैक्सीन सर आ चुकी है, डॉक्टर साहब आप बतलाएं कि वैक्सीन आ चुकी है और जितने भी वैज्ञानिक हैं पहले से इस बात का अनाउंस कर चुके हैं कि 16 इयर्स के ऊपर वाले एज वर्ग के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। तो हमारा सवाल ये है कि छोटे बच्चे तो तभी भी घर में बंद थे, छोटे बच्चे आज भी घर में बंद हैं, वैक्सीन आने के बाद भी छोटे बच्चों को वैक्सीन तो पड़ेगा नहीं। स्कूल हालांकि उस डर से बंद है चूंकि अब धीरे धीरे संख्या भी जो है कम हो रही है और जो अगर देखा जाए कि ठीक होने का जो प्रतिशत है वो भी उसमें भी रेशियो में सुधार आया है। वैक्सीनेशन के बारे में आप जरा सा जनता को बतलाएं, दर्शकों को, कि किस तरह का वैक्सीन आने वाला है और किस एज वर्ग में लगेगा और इसकी जो प्रक्रियाएँ हैं किस तरह से शुरू होगी आने वाले समय में। वैक्सीन एक्चुअली में अभी ट्रायल में भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्रायल कर रहे हैं और हमारे एम्स में भी बहुत सारे ट्रायल हुए हैं, तो एक महीना के बाद तो उम्मीदतः वैक्सीन बहुत सारे इंडिया में तैयार हो जाएंगे। बहुत कारगर वैक्सीन है अब बोला जा रहा है रिसर्च के माध्यम से, बट जब तक हमें उसको देख नहीं लेते हैं कि नहीं इंजेक्शन लगने के बाद उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, तब तक कुछ अब ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट अच्छा होगा। और बात रही दूसरी कि बच्चे को वैक्सीन और किनको किनको लगना है, तो एक्चुअली में है कि ये वैक्सीन जो भी एडल्ट है, जो यंग है, उनके लिए है, ओल्ड एज में भी लगा सकते हैं, बट बच्चे के लिए प्रिफर नहीं किया गया क्योंकि इम्यूनिटी पावर में बहुत उसमें काफ़ी चेंजेस होता है इम्यूनिटी पावर में। अब पेरेंट्स को जो अभी भी डरे हुए हैं काफ़ी, कि काफ़ी पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल खुल भी जाता है तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, अगर एक चिकित्सक के नज़र से क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? देखिए, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ को भी ठीक रखना और शिक्षा भी ज़रूरी है, हमको बीच का रास्ता निकालना है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ईयर्स ख़त्म हो जा रहे हैं, जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा, इसलिए बच्चे को स्कूल तो भेजना है बट प्रॉपर केयर करके। जैसे मैडम बोली कि हम लोग भी सैनिटाइज करते हैं स्कूल जाने के आफ्टर बिफोर दोनों टाइम करते हैं, तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है, जो भी आते स्कूल अगर हमारे बच्चे जाते हैं उनके बाद आने के बाद उनका जो बैग है, उनका जो कपड़ा है, उनको हम लोग अच्छे से साफ करें गर्म पानी में, ताकि कोई भी वायरस किसी कांटेक्ट में आने से अगर यदि इफेक्ट हुआ है तो वो नहीं हो। पर डे ड्रेस को भी हम लोग वाश करके दूसरा ड्रेस को हम लोग पहन करके भेजें ताकि कोई भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। दूसरी बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, दो तरह के कोरोना वायरस है, दो तरह के लोगों में इफेक्ट होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक मतलब जो सिम्टम दिखता है उसको पता चल जाएगा, इसको फीवर है। मैडम जैसे बोले कि टेम्परेचर हम लोग स्कैन कर लेते हैं थर्मल स्कैन से, ठीक है, किसी किसी को इस तरह का नहीं आता है, उसको पता नहीं चलता है, खांसी भी नहीं होता है, जुकाम भी नहीं है, फीवर भी नहीं आ रहा है, तो हम उसको पता करना मुश्किल काम होता है उनको कोरोना है या नहीं है। वो उनको बोलते असिम्प्टोमेटिक, बिना सिम्टम के कोरोना हो गया, उसका तब पता चलता है, हम उसका जाँच करते हैं। स्कूल की जहाँ तक बात करें तो कौन सा बच्चा पॉजिटिव हो सकता है या नहीं है, हमें तो सारे बच्चों पर एक समान नज़र रखना होगा, उनकी एक डिस्टेंस की दूरी, तो इसके लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? एक्चुअली में देखिए, जो जिसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है या खांसी सर्दी पहले से ऑलरेडी है, उन पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वैसे बच्चे को हम लोग चिन्हित करेंगे, उनको हम लोग पहले से बता, पेरेंट्स को भी बताएंगे आपके बच्चे में थोड़ा सा कमज़ोरी भी है, लग रहा है कि इनको हो सकता है, क्योंकि ये यूनिटी पावर जिसका कमज़ोर है उन पे ज़्यादा असर होता है। इस मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में भी एक चिकित्सक का तब तक एक दो चार महीने कम से कम एक टीम तो आना चाहिए इस चीज़ को सर्विलेंस करने के लिए कि बच्चों का भी जो है चेक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अगर होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोरोना का बहुत कम असर पड़ेगा, नहीं तो कम्युनिटी स्प्रेड होने की चांसेस होती है। अगर एक भी अगर हो जाता है इफेक्टेड तो पूरा कम्युनिटी को, पूरा क्षेत्र को, पूरे स्कूल के बच्चे को इफेक्ट करेंगे। सरोजा मैम, स्कूलों का दायित्व तो हमारे मुताबिक गार्जियन के दायित्व तो अभिभावकों के दायित्व से ज़्यादा बनता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हर मिनट उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो गलतियाँ ना करें। मॉनिटरिंग के नज़रिए से देखा जाए तो सरकार के तरफ से अभी तो हालांकि गाइडलाइन नहीं जारी हुई है क्या नॉर्म्स होंगे क्या रूल्स होंगे, सरकार ने सिर्फ ये अभी अनाउंस किया है
कि स्कूल खोले जाएंगे क्लास 9 से 12 तक के, और 15 दिन के बाद फिर समीक्षा जो है बैठक होगी बिहार सरकार की, और उसमें सचिव वगैरह लोग के फैसला लेंगे कि छोटे बच्चों का स्कूल। लेकिन तैयारियां तो हमें पहले से करना होगा, चूँकि एक साल का समय काफ़ी लंबा समय होता है और अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। अगर एक भी बच्चा संक्रमित हो रहा है तो आपके स्कूल में आने वाले कई बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। क्या आपके नज़र से ये व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिए कि एक डॉक्टर कम से कम मॉनिटरिंग के लिए वीकली भी आए? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बोला मोस्टली अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में तो इन्फर्मरी रहता ही है और एक विजिटिंग डॉक्टर भी रहता है और एक सर्टिफाइड नर्स भी रहती है। तो हमारे स्कूल में तो ऑलरेडी, क्योंकि जो हमारे चेयरमैन है वो ऑलरेडी एक डॉक्टर है, तो उनको तो ये पूरी इस बात का पूरा ही ज्ञान है। और जैसे बोला कि ये बात हमने ऑलरेडी पुटअप कर दी है कि स्कूल में इन्फर्मरी होगा और एक सर्टिफाइड डॉक्टर और एक सर्टिफाइड नर्स भी होगी स्कूल के अंदर, जो कि एक मतलब टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहेगी कि जैसे उन्होंने बोला एसिम्प्टोमेटिक कोई बच्चा है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपने जो बोला कि भाई स्कूल में एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर भी होना चाहिए कि हाउ टू वार्ड ऑफ दिस कोरोना। और दूसरी बात मतलब जो मैं बात समझती हूँ कि बच्चों में एक ओनरशिप हम पैदा करें, बच्चों के अंदर भी एक जो है अकाउंटेबिलिटी इसके लिए डालें कि मुझे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। ऐसे आप बोलते हैं कि पेरेंट्स ने बता दिया, स्कूल अथॉरिटीज ने बता दिया, पर जब तक बच्चा उसका ओनर्स अपने आप नहीं लेगा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं तो ये समझती हूँ एज एन एजुकेटर कि स्कूल में असेंबली में कभी कोई पीपीटी दिखाया जाए, नहीं तो जो बच्चे असेंबली करें उनसे बोला जाए कि भाई आज तुम्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाओ, जिससे बाकी बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो। बच्चे एक कोरोना अवेयरनेस का प्लेज कभी कभी लें, कभी कोरोना अवेयरनेस का खुद का कोई सॉन्ग बनाए, तो देखिए ऑटोमेटिकली बच्चों में वो जागरूकता पैदा हो जाएगी, तो वो अपने आप से खुद ही समझ सकेंगे कि मुझे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। सरोजा मैम, जिन अभिभावकों के मन में ये लगातार डर चला रहा है इस संक्रमण को देखते हुए, नो डाउट ये डरने की बात भी है और ऐसा भय जो एक एस्टैब्लिश्ड हो चुका है मन में कि हम कैसे बच्चों को बाहर निकलने दें, क्या स्कूल होता है कि अभिभावक जो भरोसा चाह रहे हैं विद्यालयों से और जो गवर्नमेंट के तौर पर वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को? तो मैंने वही बोला, पेरेंट्स के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट्स देखिए वही पेरेंट्स को अवेयरनेस दिया, साथ में ही जब बच्चा उनको जाकर बोलता है कि मम्मी आज मैंने स्कूल में मैं लीडर था, मैंने अपने क्लास के बच्चों को इस तरह से इस चीज़ का बताया, हमारे क्लास ने आज ये प्रेजेंटेशन दिया तो हमको भी मालूम है क्या करना है, आप मुझे काढ़ा पिलाइए, आप मेरे को रात को हल्दी का दूध दीजिए, इस तरह की बात है। जब बच्चा खुद ही अपने पेरेंट्स को बोलेगा और बच्चा खुद ही बोल रहा है कि मम्मी आप मैं स्कूल से पहुंचा, मेरे हाथ को आप सैनिटाइज करिए, मेरे बैग को पूरा सैनिटाइज करिए, जब बच्चा ये बातें खुद बोलेगा तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देखिए मेरे बच्चे में भी उतनी अवेयरनेस है जितनी कि मुझमें भी नहीं है। और बच्चा जब खुद बोलता है कि आप बिल्कुल घबराइए मत, मेरा स्कूल इतना सुरक्षित है, जब बच्चे की मुझे ये बात आएगी तो पेरेंट्स मुझे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर, कोचिंग संस्थानों में भी हर वर्ग के बच्चे आते हैं, छोटे आते हैं बड़े आते हैं, लेकिन क्या असर पड़ा है इस बीच में कोचिंग में आने वाले बच्चों की संख्या में, जब धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहा है तो किस तरह का आपको बैकअप मिल रहा है, लोगों से प्रतिक्रियाएं किस तरह से मिल रही हैं? बच्चे सर पढ़ना चाह रहे थे हम, बच्चे का लगभग लॉकडाउन के 2 महीने बाद ही फोन आने लगा, मैसेज आने लगे सर कोचिंग को खोला जाए, क्योंकि घर में बैठे बैठे वो रो रहे थे और उनका अपने सिलेबस का डर था। जैसे ही थोड़ा प्रशासन से ये मिला कि कोचिंग आप खोलिए धीरे धीरे, तो कोचिंग जब खुला बच्चे टूट पड़े हैं सर, यहीं पर बच्चे टूट पड़े हैं क्योंकि उनको अपने लाइफ का बहुत टेंशन है कि मेन है कि एग्जाम है, आपको पता होगा सारे एग्जाम फरवरी मार्च में होते हैं, अभी आपका NTPC का एग्जाम है, अभी आपका इंटर का एग्जाम, अभी आपका CBSE का एग्जाम, अभी आपका 10th का एग्जाम, सारे बच्चे हाँ हर कोचिंग में हम लोग रूल रेगुलेशन लगा दिए कि क्लास में आने वाले बच्चे बिना विदाउट मास्क की एंट्री नहीं होगा, हर क्लास में सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइजर दिया जाता है गेट पे, और बच्चे को सैनिटाइजर खुद भी अपना रखना। क्या आपने आप चूंकि अध्यक्ष हैं, संघ के अध्यक्ष हैं और कोचिंग संघ के अध्यक्ष हैं, आप सारे कोचिंग्स को क्या आप लोग कोई लेटर पॉम्पलेट या ऐसा कुछ आदेश जारी किए हैं कि आप लोगों को तैयार रहना है इसके लिए? उस हम लोग रूल रेगुलेशन बना के हर कोचिंग को मेन चौक जो एक मीटिंग हुआ था थोड़े दिन पहले उन्होंने रूल रेगुलेशन दे चुके हैं और एक लेटर बना है कि जैसे बच्चे अगर आ रहे कोचिंग तो उनको अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाना, फॉर्म भरवा के साइन करवा के लाना कि वो पेरेंट्स के परमिशन से कोचिंग आ रहे हैं, विदाउट परमिशन नहीं है। जनरली सारे कोचिंग वो फॉर्म जमा है कि वो बच्चे जो आ रहे हैं परमिशन के साथ आ रहे हैं, और रूल लगे से बना हुआ एक ब्रेंच में अगर बड़े साइज के ब्रेंच है तो 2 बच्चे बैठेंगे, छोटे साइज के बच्चे है तो एक ही ब्रेंच है तो एक ही बच्चे उसमें बैठेंगे, डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वैक्सीन आ रहा, कोरोना नहीं जा रहा।
वैक्सीन आने से ऐसा नहीं कि लोग सोच रहे वैक्सीन आ रहा कोरोना जा रहा, कोरोना रहेगा ही, हर बीमारी जैसे पहले से अवेलेबल ये कोरोना भी आपका रहेगा ही, आपको उसमें ढलना होगा। आप कितने दिन किस चीज को बंद करके रखिए, पॉसिबल तो है? शिवानी मैम, स्कूल की आपके ग्रामीण क्षेत्रों की है, चूंकि ज्यादा फोकस हम ग्रामीण पर कर रहे हैं आपके लिए, तो क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर स्कूल खुलते हैं तो आप बेफिक्र होकर बच्चों को भेजें, आपका स्कूल, आपकी सरकार तैयार है इसके लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी अभिभावक हैं पेरेंट्स उनसे कि वो बिना डरे हुए, जब सारा काम सब कुछ हो ही रहा है, मार्केट जा ही रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम खेत जा रहे हैं, जो भी जहाँ है सारा कुछ कुछ भी रुक नहीं रहा है, सारा काम हो रहा है, तभी तब हम कैसे अपना ख्याल रखते हुए करते हैं, सैनिटाइज करते हुए, मास्क लगाते हुए, हर जगह जाते हैं, हर काम को करते हैं, फिर पढ़ाई को क्यों रोका जाए? तो मैं पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगी कि वो मतलब बिना चिंता फिक्र के थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, केयर करते हुए बच्चों को स्कूल भेजें, कोई डर की बात नहीं। डॉक्टर साहब, सरकार का जो ये फैसला है इसके लिए मतलब हम लोग बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं। जब प्रिंसिपल स्कूल जो होता है, ये बच्चे जो हैं वो स्कूल बनाते हैं, अदरवाइज विदाउट बच्चे स्कूल इज जस्ट अ बिल्डिंग। टीचर यानी एक्टिव हैं और आप भरोसा दे रहे हैं अभिभावकों को कि आप बेफिक्र होकर बच्चों को भेजिए और आप उसके लिए जो है तैयार हैं, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ये आश्वासन आप अपने तरफ से देना चाहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, बच्चों की जो एक होती है कि इस कोविड काल में अगर हम देखें, स्कूल तो एक अलग मैटर हो गया, थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए चाहेंगे कि फूडिंग चार्टिंग होता है कि अभी के समय में बच्चे जो क्या खाना खाएं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये तो तय है कि वैक्सीन हम उन्हें नहीं लगाने वाले हैं, उन्हें हमें अंदरूनी रूप से ही उनके स्टामिना को जो है मजबूत रखना होगा, और इस स्टामिना के लिए आप पेरेंट्स को कुछ अगर आप अपने तरफ से बता सकें कि किस तरह का भोजन उन्हें उपलब्ध अभी के समय में विशेष करके। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में भोजन जो भी खिलाते हैं हम बच्चे को, कोशिश रहना चाहिए कि मेरा ठंडा खाना नहीं और ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करें, और मार्केट में जो अवेलेबल है बहुत सारे चीज़ें हम लोग मार्केट को अवॉइड करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि मार्केट से आने वाले समय में कौन किसके टच में आए हैं, किसके कॉन्टैक्ट में आए हैं पता नहीं है हमें, क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज़ में भी देखे होंगे कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय होते हैं, बहुत सारे खाना जो पहुँचाते हैं घर में ऑर्डर पर, उनसे भी बहुत लोग संक्रमित हुए हैं बड़े बड़े शहर में, तो इस सब चीज़ से हम लोगों को परहेज करना पड़ेगा तो हम लोग बच सकते हैं। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद आप ये राय देंगे अभिभावकों को कि बिना डरे वो स्कूल अब भेज सकते हैं अगर खुलता है? बिल्कुल बिल्कुल भेज सकते हैं, बस स्कूल से मेरा अपील है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस में बच्चे को आप अपने स्कूल में रखें और समय समय पर मॉनिटरिंग करें, 15 से 20 दिन में लगे तो कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप लगा के चिन्हित करें कि कौन बच्चे इसमें संक्रमित है, अगर हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का आदेश देकर उन्हें घर में रखा जाए। कोरोना एक ऐसा शब्द है जो आज देश में, पूरे दुनिया में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जी हाँ, भयावह शब्द के रूप में हम इसे जान सकते हैं। कोरोना काल अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। हमारे अतिथि ने कहा वैक्सीन आ जाए, दवाइयाँ आ जाएं, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि कोरोना खत्म हो रहा है। हमें वो हर काम को जारी रखना होगा, चूँकि ये जिंदगी है और कभी रुकती नहीं है, और शिक्षा तो इसमें जो है काफ़ी ही शिक्षा का अहम योगदान होता है। कैसे रोक सकते हैं हम बच्चों को स्कूल जाने से और उन्हें शिक्षित होने से, क्योंकि वो तो देश के आने वाले भविष्य हैं। ज़रूर सरकारें ये फैसला कर रही हैं और अभिभावक के मन में जो डर है, हमारे माध्यम से हम उनसे अपील करेंगे कि अगर स्कूल खुलता है तो जितनी भी ज़रूरी सावधानियां हैं उसे ज़रूर बरतें। अभिभावक, स्कूल दोनों के तरफ से हम अपील करेंगे कि दोनों को उन सावधानियों को बरतना होगा और बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि शिक्षा से दूर काफ़ी दिनों तक नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो है पूर्ति की जा सकती है, स्वास्थ्य की भी जो है इलाज हो सकता है, लेकिन शिक्षा के बिना कोई भी देश अधूरा है, और बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए और उनके शिक्षा को जारी रखने के लिए हमें इन सावधानियों से ज़रूर गुजरना होगा। सरकार के फैसले का हम भी स्वागत करते हैं, शिक्षा को सुचारू ढंग से जारी किया जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हों या शहरी क्षेत्र के स्कूल हों। हम उनसे भी अपील करेंगे
कि सरकार के गाइडलाइंस को तो आप माने ही माने, लेकिन इसे आप अपने निजी दायित्व के रूप में भी जाने। एक अभिभावक बन के सोचे कि एक छोटे लाडले को अगर कोई माँ स्कूल भेजती है तो वो क्या सोच कर भेजती होगी, और कोरोना जैसे महामारी से कितना सा उसके मन में डर बैठा होगा। उसे आप ये भरोसा दिला पाए कि आप जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, बस यही जाने कि वो बच्चा घर में है, और जिस तरह से माँ पिता ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, स्कूल भी इस दायित्व को लेने के लिए पूरा तैयार है। तो हम सारे स्कूलों से भी यह अपील करेंगे। आवाज 24 न्यूज के प्राइम डिबेट में हमेशा ये कोशिश रहती है कि जनहित समाज से जुड़ी हुई हम उन अहम मुद्दों को आप तक पहुंचाएं, उन पर हम बहस करें जो कहीं ना कहीं आपसे हमसे सीधा ताल्लुकात रखती है। फिलहाल इस प्राइम डिबेट से हम जरूरी आशा करते हैं कि कोरोना काल में स्कूल खुलने वाले हैं और किस तरह से बच्चों को देख रेख होना चाहिए, इससे जरूर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, चाहे चिकित्सक हो चाहे विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक और शिक्षिका हो, और आशा करते हैं कि आप इनसे जरूर एक अच्छी सीख लेंगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में आवाज 24 न्यूज में आप बने रहें, और मैं ओम प्रकाश मिश्रा आपको नमस्कार।